ग्रेटर नोएडा में हुई गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गाजियाबाद के मसूरी में गौरव चंदेल की गाड़ी बरामद की गई। एक मकान के बाहर गाड़ी मिली है। हत्यारों ने गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट तक तोड़ डाली थी। वहीं मौके पर खुद SSP कल्याणिधि नथानी जांच के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौरव चंदेल की हत्या कर दी गई थी। अभी तक गौरव के कातिलों का सुराग नहीं चल सका है, पता नहीं लग सका है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एक गौरव चंदेल की तस्वीर है 6 जनवरी को जिनकी हत्या की गई थी लूटपाट के बाद पे, और दूसरी तस्वीर जहां मौके पर पुलिस है, गाड़ी है जिस गाड़ी को बरामद किया है, और यही वो गाड़ी है जिसे गौरव चंदेल ड्राइव करके घर जा रहे थे अपने दफ्तर से लौटते हुए। पुलिस के हाथ फिलहाल किसी किस्म के सुराग से खाली हैं, मगर आज इस गाड़ी की बरामदगी से माना जा रहा है कि कुछ सुराग जरूर हाथ लगेंगे। लगभग रात को 11 बजे आकाश नगर जो मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, सूचना ऐसी प्राप्त हुई कि कुछ लोग इस गाड़ी को छोड़कर गए हैं। तो पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को चेक किया। ये किया मॉडल की गाड़ी है, ग्रे कलर की गाड़ी है, नंबर प्लेट नहीं है। एक स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर से चेक किया गया तो पता चला ये गौरव चंदेल नाम की व्यक्ति की गाड़ी है। पूरी जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो भी रास्ते उस स्थान की ओर जाते हैं, उन रास्तों पर जितने भी कैमरे हैं उन सबको चेक किया जा रहा है और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है कौन इस गाड़ी को लेकर आ मतलब इनसे गाड़ी से रिलेटेड। हाँ, आपका घर कौन सा है? मेरा घर यही है सामने, ये वाला है। हाँ, उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने और मेरे साथी ने, दूसरा लड़का जो है जी, तो उनने देखा इसको, गाड़ी को, तो आगे पीछे नंबर नहीं थे जी, मतलब प्लेट टूटी हुई थी जी। तो हमने, मुझे शक हुआ, शक इसलिए हुआ कि मैं भी पुलिस में रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो मुझे शक हुआ कि मुझे ये कोई क्राइम करके आई है या क्राइम से संबंधित गाड़ी है जी, जी। तो मैंने तुरंत टेलीफोन 100 नंबर पर किया जी। और 100 नंबर वाले थोड़ी देर बाद ही जो है PCR आ गई। PCR के बाद में उनने PCR और कहा भाई ठीक है, हम आ गए हैं, अब लोग आराम करें, हम लोग दोनों अब चले। गौरव चंदेल हत्याकांड मामले में अपडेट लेने के लिए हमारे साथ SSP हैं, गाजियाबाद के SSP, हम उनसे जानेंगे। सर, कब सूचना मिली आपको गाड़ी की? ये जो है थाने पे जो है देर रात सूचना आ गई थी। उसके बाद से वो उसने यहाँ पे अपने गार्ड लगा करके इसको, क्योंकि एटवंस उसमें क्लियर नहीं हो रहा था क्या नंबर है, चोरी की है, किसकी है, गार्ड लगा करके उसने समझदारी से जो है इसको, उसके बाद इसको पूरा देखा तो इसमें टैग उसमें मिला, टैग में एक नंबर मिला, नंबर से फिर उसने खुद ही इसमें पूरा पूछताछ वगैरह कर पाई और ये पता उसको ये प्रतीत हुआ कि ये नोएडा वाली घटना से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। नोएडा पुलिस को बताया गया है, वहाँ के SHO यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 घंटे पहले हमको अवगत, पूरे इसके बारे में अवगत कराया गया है SHO द्वारा और हमने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया है। तकरीबन सर ये 10:30 बजे टोल से गुजरी थी गाड़ी, कुछ ये अब सब फुटेजेस वगैरह जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, सब जो भी फुटेजेस निकालेंगे सब इन्फ्लुएंस उनका रहेगा। फिलहाल उनको असिस्ट करने के लिए लोकली गाजियाबाद से भी हम लोगों ने 5 टीम इनको अरेंज करके उपलब्ध करा दी गई हैं, जो लगातार उनके साथ उनकी मदद कर रही हैं। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के SSP। उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 टीमें गठित कर दी हैं, इस केस को जल्द से जल्द खोला जाएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9। नोएडा का बहुचर्चित हत्याकांड गौरव चंदेल में एक नया मोड़ आ गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आकाश नगर में हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी लावारिस तरीके से यहाँ खड़ी थी और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम भी पहुँच चुकी है, ग्रेटर नोएडा की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। पुलिस को सूचना दी गई थी, 100 नंबर पर यहाँ कॉल की गई थी, जिसके बाद में पुलिस पहुँची थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ जाँच कर रही है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पहुँच चुका है, कहीं ना कहीं अहम सबूत इसमें मिल सकते हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9।